नमस्कार, स्वागत है आपका इट्स इन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। हर महीने लड़कियों को होने वाली पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हर महीने के उन 5 से 7 दिनों को लेकर ना जाने कितने मिथक और अंधविश्वास हैं, जिसे हर महीने लड़कियों को याद दिलाई जाती है। और इस अंधविश्वास का केवल एक ही वजह है, खुलकर इस पर बात ना कर पाना। आज हम ऐसे ही तमाम पीरियड से जुड़े अलग अलग जगहों के मिथक के बारे में बात करेंगे। नेपाल के कुछ हिस्सों में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अपना खुद का घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि लोगों की अवधारणा ये है कि पीरियड्स के दौरान निकलने वाले खून गंदे होते हैं। क्या आप भी यही सोचते हैं? अगर हाँ तो आप गलत समझ रहे हैं। इसमें गंदगी और अशुद्धता जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रूफ है कि आप में रिप्रोड्यूस करने की क्षमता है। बस क्योंकि आपका एग अनफर्टिलाइज्ड है, इसीलिए आप उसे अपनी बॉडी से रिलीज कर रही होती हैं। सबसे बड़ा अंधविश्वास लोगों में ये है कि पीरियड्स के दौरान लड़कियां पूजा पाठ नहीं कर सकती। आज के समय में यह सभी मिथकों में सबसे ज्यादा माने जाने वाला मिथक है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ व्रत मंदिर आदि से दूर रहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल गलत सोच है ये। लोगों का मानना है कि इस दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं और वो जिस भी चीज को छूती हैं वो भी अशुद्ध हो जाती है। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि भगवान, जो कि सर्वपरि है, वो किसी स्त्री के छूने से कैसे अशुद्ध हो सकता है। नारित्व प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। और इस चीज को समझना होगा कि एक नारी का निर्माण करने वाला भी ऊपर ही वाला है। इस तरह के कुछ जैविक क्रियाओं के कारण महिलाओं को शर्म महसूस करनी चाहिए, और मंदिर जाने या पूजा व्रत आदि करने से कोई बुराई नहीं है इसमें। यह भी सवाल उठाए जाते हैं कि पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध बना सकते हैं या नहीं, पीरियड्स के दौरान सेक्स करना ठीक है या नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कि मासिक धर्म के दौरान सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीरियड्स में सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अधिकतर महिलाओं को इस समय उत्तेजना का अनुभव होता है। लेकिन पीरियड्स में सेक्स करने से पहले कॉन्डम का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इस दौरान इन्फेक्शन का दर अधिक होता है। रोमानिया में मान्यता ऐसी है कि अगर पीरियड्स के दौरान लड़की किसी पौधे को छू देती है तो पौधा मुरझा जाएगा या उसके फूल झड़ जाएंगे। देश के कई जगहों पर कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान लड़कियां कुछ चीजें नहीं बना सकती, क्योंकि उस दौरान कुछ चीजें उनसे इस वजह से खराब हो जाती है क्योंकि वो पीरियड्स में होती हैं। कितनी अजीब बात है ना। दरअसल अगर आप एक अच्छी कुक हैं, तो आपकी प्रतिभा पीरियड्स के कारण खत्म नहीं होती। आप उस दौरान भी वैसा ही खाना बनाएंगी जैसा कि आप ऐसे ही भी बनाती हैं। क्या पीरियड्स में अचार छूने से अचार खराब हो जाता है? इस सच्चाई को भी जान लेते हैं। अचार खराब होने की भांतियां सबसे अधिक सामान्य है, जो बिल्कुल भी निराधार और हास्यास्पद है। ऐसा लगता है कि उन दिनों में लड़कियों के हाथ में जीवाणु और कीटाणु एक साथ निकलकर अचार में चले जाएंगे और अचार को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दरअसल अचार आप गीले हाथों से किसी भी दिन छूते हैं तो वो खराब हो सकती है। पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि पीरियड्स में लड़कियों के नहाने से शरीर की मांसपेशियां खींच जाती हैं, और यह भी चिंता होती है कि पीरियड्स में ब्लीडिंग रुक जाती है। नहाने से बांझपन होता है, यह गलत धारणा अफगानिस्तान से आई है, जहां माना जाता है कि इस समय अगर महिलाएं नहाती हैं, सर पर पानी डालती हैं, तो उनकी प्रजनन क्षमता यानी कि प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी उन पर असर पड़ता है। जबकि हकीकत यह है कि पीरियड्स के दौरान साफ सफाई बेहद जरूरी होती है, और अगर नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जाए तो पीरियड्स के कारण होने वाले दर्द को भी ये कम करता है और इससे राहत मिलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्भाशय के मुंह के कैंसर के कुल मामलों में से 27% भारत में होते हैं, और डॉक्टरों के अनुसार महावारी यानी कि पीरियड्स के दौरान साफ सफाई की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है। वैसे तो सैनिटरी नैपकिन्स का उपयोग कुछ दशक पहले ही शुरू हुआ है, आज भी कई लोग इसे नहीं अपनाते। कुछ लोग समझते हैं कि सैनिटरी नैपकिन से कैंसर फैलता है। दरअसल बोलिविया में मानते हैं कि इस्तेमाल किया हुआ नैपकिन अगर पुरुष देख ले तो उनको कैंसर हो सकता है। इसको लेकर सख्त हिदायत दी जाती है। स्कूल जाने वाली छात्राएं अक्सर यूज्ड पैड को अपने बैग में रखकर घर ले जाती हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल में डस्टबिन में रखने की इजाजत नहीं दी जाती। लोगों का यह भी मानना है कि अगर टेम्पूस का इस्तेमाल करती हैं लड़कियां तो उनकी वर्जिनिटी खो जाती है। अगर आप टेम्पूस का इस्तेमाल करती हैं तो आप वर्जिन नहीं हैं। वर्जिनिटी का हाइमन से कोई लेना देना नहीं है। जो भी इंसान सेक्सुअली इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं है वो वर्जिन है। सेक्स के अलावा भी बहुत सारे तरीकों से हाइमन तोड़ने के और सैनिटरी पैड्स या टेम्पूस का आपकी वर्जिनिटी से कोई मतलब नहीं है। आप बेझिझक इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या आप भी ऐसे ही अंधविश्वास का शिकार होती हैं?
आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हेल्थ इश्यूज और अवेयरनेस से जुड़े वीडियोस के लिए कमेंट करें। देश और दुनिया के तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें HCN News। धन्यवाद।